हेलो मैम, कैसी हैं आप? हेलो, आई एम गुड, थैंक यू। ओके, तो मैम सबसे पहले आपको इंटरव्यू के लिए बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू। एंड मैम, आपका इंटरव्यू कौन से बोर्ड में था मैम? मेरा संजय वर्मा सर की बोर्ड में। ओके मैम, अपना एजुकेशनल बैकग्राउंड और आपका नाम क्या है प्लीज मेंशन करिएगा। माय नेम इज स्पर्शा सिराज जी मैम। बीटेक ग्रेजुएट इन आईटी, देन पोस्ट ग्रेजुएशन इन मैनेजमेंट फ्रॉम आईआईएम इंदौर। जी मैम। देन आई वर्क फॉर 2 इयर्स एज अ कंसल्टेंट फॉर कैपजेमिनी, देन सिविल सर्विसेज। ओके मैम, आपका ऑप्शनल और आपका मीडियम क्या रहा है? ऑप्शनल इज एंथ्रोपोलॉजी एंड मीडियम इज इंग्लिश। एंड मैम, ये आपका कौन सा अटेम्प्ट था, इंटरव्यू कौन सा था ये आपका? ये मेरा फिफ्थ अटेम्प्ट था, फर्स्ट मेंस एंड फर्स्ट इंटरव्यू। ओके, तो मैम सबसे पहले हम बात करें अगर इंटरव्यू की, तो आप जैसे एंट्री किया आपने बोर्ड के सामने, तो आपको कैसा फील हुआ एंड उन्होंने किस तरह के सवाल से स्टार्टिंग किया आपसे? एक्चुअली ऑन द वे टू द रूम इटसेल्फ दे मेक यू वेरी कंफर्टेबल एंड इवन आफ्टर एंटरिंग द रूम इज नॉट that tense as they make it to be. Very cordial room. And they welcome you as well. And warm greetings dete. Uske baad they mention what they think about your DAF. Okay. And generally wahan se, there was no formal introduction question as such. Okay. They asked me about Kannada because I belong to Karnataka. Yes. So it started like that. Okay, to mam sawal kis tarah ke the aapke DAF pura matlab interview jo tha aapka DAF focused tha या फिर करंट रिलेटेड या फिर आपका ऑप्शनल से था? एक्चुअली मेरा 90% डेफ रिलेटेड ही था एंड सम फ्रॉम एंथ्रोपोलॉजी एंड सम 2-3 क्वेश्चंस फ्रॉम करंट अफेयर्स व्हिच इज रिलेटेड टू माय डेफ अगेन बिकॉज़ आईटी रिलेटेड था वो। ओके ओके, तो मैम जो आपने डेफ से रिलेटेड जैसा कि आपने बताया, तो सवाल किस तरह के थे? हॉबीज से रिलेटेड थे या फिर आपके बैकग्राउंड या फिर किस तरह से थे? मेनली 3 कैटेगरीज। वन इज आई एम अ स्पोर्ट्स पर्सन, स्पोर्ट्स के ऊपर था क्वेश्चंस एंड माय बैकग्राउंड इज फ्रॉम आईटी, सो आईटी के ऊपर भी था एंड एंथ्रोपोलॉजी। मैम थोड़ा मेंशन करना चाहेंगी किस तरह सवाल थे? सो कर्नाटका के बेसिस पे दे आस्क्ड टू व्हिच कैटेगरी द लैंग्वेज बिलोंग्स टू एंड व्हाट कैन यू मेंशन अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ द लैंग्वेज। ओके, देन विद रिस्पेक्ट टू अदर एंथ्रोपोलॉजिकल क्वेश्चंस basically they asked me anthropology perspective se how can you solve certain issues. Okay, okay. Then from Mysore they asked lake rejuvenation ke liye kya kya kar sakte. Okay, okay, okay. And IT mein they asked about Bhashini app, then how AI and ML can be used in transportation and other automation related. Also they asked about मेरा मेजर प्रोजेक्ट था फेक न्यूज आइडेंटिफिकेशन में। ओके ओके, उसके ऊपर थोड़ा क्वेश्चंस थे। तो मैम चूंकि मैसूर हिस्ट्री में एक बहुत ही मेजर रोल है, काफी ज्यादा हिस्सा है हिस्ट्री का, इंडिया का भी बहुत ही मतलब हिस्ट्री में काफी कंट्रीब्यूट किया है, तो टीपू सुल्तान, हैदर अली, इन सब से कुछ सवाल थे? नो, नथिंग कंट्रोवर्शियल, नथिंग पॉलिटिकल। ओके, दे बेसिकली आस्क्ड अबाउट एनवायरमेंटल एंड सोशल इश्यूज दैट आर ऑनगोइंग। ओके ओके, एंड यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन दैट। ओके, तो मैम अगर बात करें हम प्रीलिम्स की, तो प्रीलिम्स में जो आपकी स्ट्रेटजी है, क्योंकि सभी की अलग अलग स्ट्रेटजी होती है और बच्चे उसी सब को देख करके अपनी कंबाइंड जो स्ट्रेटजी वो देखते हैं उन सभी से जो उनको बेस्ट लगता है वो फॉलो करते हैं, तो आपकी पर्टिकुलरली स्ट्रेटजी क्या रही थी प्रीलिम्स को क्रैक करने के लिए? क्योंकि प्रीलिम्स डे बाई मतलब हर साल टफ होता जा रहा है, सीसेट भी है उसमें, तो सीसेट भी कई बार काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है, तो आपकी स्ट्रेटजी किस तरह की रही थी और आपने रिसोर्सेज क्या क्या फॉलो किए थे? I took 5 attempts to clear prelims. Yes, yes, yes. I think stick to your resources, which is keep it very limited. जी. And revision पे थोड़ा ज़्यादा focus करनी चाहिए. जी मैम. For me, what worked most is change in attitude. Don't get scared. इतना बड़ा मत बनाओ exam को. Yes, yes. It is just an exam. Revise. Okay. Break your things into smaller actions which are achievable. Okay. And try at achieving that rather than thinking of a bigger one. Then you will reach your target. ओके, तो मैम आपके रिसोर्सेज क्या क्या रहे थे? मतलब स्टैंडर्ड बुक सभी को पता है एक्चुअली में कि मान लीजिए हिस्ट्री के लिए उनको ये जो है स्पेक्ट्रम पढ़नी है, वो सारी चीज जो स्टैंडर्ड बुक्स है वो सभी पता है, अपने वैल्यू एडिशन के लिए क्या फॉलो किया था एक्चुअली? एक्चुअली मेरा भी स्टैंडर्ड बुक्स ही थे एंड विद दैट करंट अफेयर्स को व्हेन यू स्टडी वी यूजुअली रीड इट एंड लीव इट।
Okay. But whatever points are there, keep adding in those standard books so that when you revise, you are revising current affairs related points related to that as well. But a holistic picture milega usme. Exactly. So that is the. Ma'am, current affairs aapne bataya. तो उसके लिए आपने क्या क्या रिसोर्सेज थे, क्या मैगजीन आपने फॉलो करी, मंथली मैगजीन या फिर डेली बेसिस पर न्यूज़पेपर से कवर किया था आपने? मैंने न्यूज़पेपर सिर्फ इंटरव्यू के लिए पढ़ा है एंड फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस आई डिपेंडेंट ऑन मंथली कंपाइलेशन। ओके, एंड मैम अगर हम बात करें आपकी जो 5 अटेम्प्ट्स की जर्नी रही है आपकी और ये आपका इंटरव्यू, इस बार आप धौलपुर हाउस तक पहुंची हैं, तो मैम आपने पिछले अटेम्प्ट्स के कंपैरिजन मतलब अगर बात करें तो इस अटेम्प्ट में आपने क्या चेंजेस किए थे कि आप यहाँ तक पहुँची हैं, क्या मेजर आपने चेंजेस किए जिसकी वजह से आपको इन सब चीज़ें यहाँ तक आसान हुई है सब चीज़? I think the major change is change in attitude, how you look at the exam itself. Okay. The fear factor, when we think of the मतलब last step के बारे में सोचते हैं ना, it becomes very big. Just think of the next step. Keep on doing it and the exam arrives, you will clear it, next exam arrives. So don't think of what is not in your control. जो आपके control में है उसके बारे में करो and you will sail through. मैम क्या आपने, क्योंकि ऑनलाइन सोर्सेज बहुत सारे हैं, यूट्यूब है, टेलीग्राम है, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी चैट जीपीटी भी चल रहा है, तो इनका सबका क्या रोल रहा, क्या आपने चैट जीपीटी वगैरह को फॉलो किया था इन सबसे, आप मतलब इंटरव्यू में भी मेंस में भी इन सब का यूज किया था क्या? चैट जीपीटी जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी बट नॉट फॉर प्रिपरेशन, बट आई हैव यूज्ड टेलीग्राम एंड यूट्यूब वेरी एक्सटेंसिवली फॉर माय प्रिपरेशन फॉर स्पेशली करंट अफेयर्स एंड ऑन टॉपिक्स रिलेटेड टू एथिक्स, सो एक्सटेंसिवली आई हैव यूज्ड यूट्यूब। मैम मेंस की अगर बात करें तो मेंस में आंसर राइटिंग, क्योंकि सारा चीज उसी पर डिपेंड है, जितना बढ़िया आंसर राइटिंग आप करेंगे उतना ही आपको स्कोर किया करेंगे आप मेंस में, तो आपकी क्या स्ट्रेटजी रही थी आंसर राइटिंग के लिए? फर्स्ट थिंग इज स्टार्ट आंसर राइटिंग एज सून एज पॉसिबल, स्पेशली राइट आफ्टर प्रीलिम्स, डोंट वेस्ट टाइम, अगर क्लियर होगा कि नहीं होगा डोंट थिंक अबाउट इट, गेट इनटू इट एंड डोंट डिपेंड ऑन मल्टीपल सोर्सेस, द गिव मोर इम्पोर्टेंस ऑन आंसर राइटिंग, कीप ऑन आंसर राइटिंग, बस उतना ही है, डोंट रन बिहाइंड मल्टीपल सोर्सेस। ओके मैम, आंसर राइटिंग कब से शुरू करनी चाहिए, जब से एक एस्पिरेंट तैयारी में आ रहा है या फिर उसको पहले सिलेबस को समझ के और पढ़ के तैयारी करने के बाद प्रीलिम्स लेकर के या प्रीलिम्स से पहले कब से स्टार्टिंग करना चाहिए उसको एक्चुअली आंसर राइटिंग के लिए? यू कांट मतलब आप लिख ही नहीं सकते हो अगर सिलेबस अच्छे से पता नहीं है, गेट यूज्ड टू द सिलेबस एंड वंस यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम आपको कंटेंट पता चलेगा एंड विदाउट कंटेंट इवन इफ यू राइट आंसर्स वो यूजलेस है, सो कंटेंट पता होने के बाद एंड वंस यू हैव कॉन्फिडेंस दैट यू नो व्हाट इज देन स्टार्ट राइटिंग। I think a good 3 months is very good for answer writing between prelims and mains, but उसके पहले just so that you get the confidence कि पता है कर सकते हैं। मैम NCERTs की बात करें तो NCERTs कौन सी क्लास से कवर करनी चाहिए, क्योंकि काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स हैं सभी की NCERT है, तो वो कौन से क्लास से NCERT पढ़नी चाहिए, कितनी बार पढ़नी चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए NCERTs को? सर वो हर एक के ऊपर डिपेंड करेगा, आई हैव नॉट रेड एनी एनसीईआरटीज एक्सेप्ट फॉर जियोग्राफी, सो आई हैव रेड 11th एंड 12th जियोग्राफी एनसीईआरटी। ओके, एंड मैम अगर बात करें नोट्स की, अगर बात करें तो हैंड रिटन नोट्स खुद के अपने नोट्स बनाने चाहिए या फिर मार्केट में जो अवेलेबल है नोट्स वगैरह उनसे काम चल जाएगा? सर नोट्स की एक्चुअली इंटेंशन ये है कि क्विक रिविजन हो, तो उसी में आपका रिविजन क्विकली हो रहा है तो ठीक है, कम उसको थोड़ा कंप्रेस करके आपको बनाना है तो ठीक है, द मेन इंटेंशन इज रिवीजन के लिए इजी होना चाहिए बस। ओके, एंड मैम जो कैंडिडेट आ रहे हैं तैयारी करने के लिए और 2024 का जो प्रीलिम्स देना चाहते हैं, एग्जाम में बैठना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? नथिंग एक्चुअली, डोंट मेक द एग्जाम बिगर देन यू, थिंक इट एज जस्ट एनी अदर एग्जाम एंड फोकस ऑन द स्मॉलर स्टेप्स, टास्क को थोड़ा थोड़ा ब्रेक करके, मेकिंग टू स्मॉल पीसेस अचीवेबल वंस, फोकस ऑन योर डेली गोल्स। Okay, thank you, ma'am. Thank you. And all the best, ma'am. I hope अब की बार आपका हो जाए. Thank you. Okay, thank you, ma'am.